नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 38 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक देख लेते थे। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहे हैं कि इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे। लिखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हम लोग दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि लेफ्ट में रहना चाहिए x एंड y वाला टर्म रहना चाहिए, राइट में कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग दिया गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को y, देखिए यहाँ पे y है प्लस और यहाँ पे y है क्या है माइनस है, y कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, जिसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड करेंगे इसको तो ये प्लस वाई से माइनस वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 2x प्लस 4x हो जाएगा 6x इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए तो 9 और 3 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ दोस्तों देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 42 अपॉन हो जाएगा 6, ये 6 1 जा 6 7 जा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 7। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में हम लोग इसका वैल्यू रख रहे हैं, तो इक्वेशन 1 है हम लोगों को 4x प्लस y इक्वल टू 23। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है हम लोगों को, सॉरी इक्वेशन 1 है हम लोगों क्या 2x प्लस y इक्वल टू 23। देखिए आप लिखते इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 23 है, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2 × 7 प्लस y इक्वल टू होगा 23। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो 2 7 जो हो जाएगा 14 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 23, तो y इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 23 और प्लस 14 को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 14, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। अब दोस्तों देखिए, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू हम लोग मिल गया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल से दोनों का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे नाउ, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ। देखिए पहला वैल्यू हम लोग निकालना है 5y, पहला वैल्यू निकालना है 5y माइनस 2x का, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हो जाएगा 5 × y की जगह पर हो गया 9 माइनस 2 × x की जगह पर हो गया 7। सॉल्व कर लीजिए तो 5 9 = 45 और ये हो जाएगा माइनस 2 7 = 14। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, तो पहला का आंसर हो जाएगा 31। सेकेंड देखिए, सेकेंड हम लोग वैल्यू निकालना है एंड सेकेंड वैल्यू निकालना है y अपॉन x माइनस 2। तो वैल्यू पुट की, y का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 अपॉन 2 माइनस, सॉरी देखिए y अपॉन x है तो y का वैल्यू कितना है 9 और x का वैल्यू कितना है 7 और ये हो जाएगा माइनस 2। दोस्तों क्या है यहाँ पे, देखिए y अपॉन x माइनस 2 है तो y का वैल्यू और x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू है 9, x का वैल्यू है 7, ये माइनस 2 और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 1 × 9 हो जाएगा 9 माइनस 1 10 7 7 10 7 × 10 हो जाएगा 14। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 9 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 7। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। एक आंसर हुआ कितना 31 और दूसरा आंसर हो जाएगा हम लोगों का माइनस 5 अपॉन 7। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।